किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में बनेगी कमेटी, सरकार और किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सीजीआई बोबड़े आज सुनेंगे आंदोलनकारियों का पक्ष। गाजीपुर बॉर्डर पर आज 18 खाप पंचायतों के मुखिया जुटेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने पूरे पश्चिमी यूपी के किसानों से आने की अपील की। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी आंदोलन चलाएंगे किसान संगठन, हैशटैग किसान एकता मोर्चा के साथ शुरू किया आईटी सेल। किसानों ने कल दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को जाम कर दिया, जिसके चलते गाड़ियों का लंबा जाम देखने को मिला। कृषि बिल को लेकर बीजेपी की महापंचायत, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता बोले जरूरत पड़ी तो सिंघू और टिकरी बॉर्डर जाकर किसानों को समझाएंगे। देश में गन्ना किसानों को केंद्र सरकार की बड़ी मदद, कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ की राशि मंजूर की। पीएम बोले चीनी मिलों के लाखों कामगारों को लाभ होगा। राहुल गांधी पर शिवराज का बड़ा हमला, बोले राहुल कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं लेकिन क्या वो बता सकते हैं कि मक्के की खेती कैसे होती है। किसान आंदोलन के बहाने बॉलीवुड में फिर तकरार, कंगना रनौत का दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा पर तंज, कहा किसानों को भड़काकर अब गायब हो गए। ग्वालियर किसान सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, कहा किसान ही केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता, लेकिन विपक्ष किसान भाइयों को गुमराह कर रहा है। चलिए देख लेते हैं अब राजनीति की खबर। टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी का विधायक पद से इस्तीफा, अमित शाह के दौरे के दिन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह 19 दिसंबर को बंगाल दौरे पर जाएंगे, मिदनापुर में रैली होगी, लोगों से मिलेंगे, दूसरे दिन शांति निकेतन जाएंगे। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बोले अगर बंगाल पुलिस के भरोसे चुनाव कराए गए तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है, चुनाव आयोग राज्य प्रशासन की मदद ना ले। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुसलमानों के वोट बांटने के लिए बीजेपी ओवैसी की पार्टी को देती है पैसा, ओवैसी बोले मुझे खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लखनऊ में ओवैसी का योगी सरकार पर निशाना, कहा मैं यूपी में नाम बदलने नहीं दिल जीतने आया हूं। यूपी के जिला पंचायत चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन में लड़ेगी, राजभर बोले बीजेपी के खिलाफ कोई बिना गठबंधन के नहीं लड़ सकता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले ओवैसी के यूपी में आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले आज की तारीख में यूपी के 60% वोटर बीजेपी के साथ हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले जहां माफियाओं ने अवैध कब्जा किया उन जगहों को खाली कराकर गरीबों और समाज के प्रबुद्ध लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले योगी राज में यूपी के स्कूलों का बुरा हाल, दिल्ली के स्कूलों को योगी के मंत्रियों ने बताया था खराब। केरल के लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पहले से सुधरा, चर्चित सबरीमाला मंदिर वाले शहर में बीजेपी को भारी जीत। कमल हासन ने कहा रजनीकांत के साथ सियासी गठबंधन पर बात करने का अभी समय नहीं, रजनीकांत ने पार्टी बनाने का किया है ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लिया जाएगा दान, 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा अभियान, 10, 100 और 1000 रुपए का होगा कूपन। तो सियासी अपडेट आपने जान ली, आप जान लीजिए देश की कुछ अहम खबरें जिस पर आज हलचल देखी जा सकती है। सभी धर्मों में तलाक के लिए एक समान आधार तय करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा, गुजारा भत्ता पर भी मांगा जवाब। पाकिस्तान ने भारत पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप लगाया, अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लापता 2 युवकों के आतंकी संगठनों में शामिल होने की आशंका, पुलिस को शक है कि पीडीपी नेता की हत्या में दोनों का हाथ हो सकता है। जम्मू कश्मीर में कल डीडीसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई, पंचायत चुनाव के 7वें दौर की वोटिंग में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया।
22 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम से जुड़ेंगे, ऑनलाइन शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को हाईकोर्ट से झटका, मुंबई में कंजूर मार्ग मेट्रो शेड के काम पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाई। यूपी के प्रतापगढ़ में एक विधायक के भाई ने खुलेआम गुंडागर्दी की, बीआरसी ऑफिस में घुसकर कंप्यूटर ऑपरेटर को पीटा। एमपी के राजगढ़ में बड़ा बवाल, मामूली विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बेतिया नगर परिषद के इंजीनियर सुजन सुमन के घर पर निगरानी का छापा, कई आपत्तिजनक कागजात मिले, सुमन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। हाजीपुर में खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाला अनाज नहीं मिलने से नाराज लोगों का गुस्सा फूटा, सड़कों पर उतरे लोग, मौके पर पहुंचे अधिकारियों से धक्का मुक्की हुई। बिहार में शराबबंदी की असलियत की पोल खुली, मुजफ्फरपुर में 2 शराबियों ने कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया, पकड़ने के लिए पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एपीएनआई पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला, राजौरी के अस्पताल में चल रहा इलाज, रणदीप ठाकुर की हालत स्थिर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।